आपके संकल्प पत्र अनुसार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत वित्तीय सहायता राशि 12,000 रुपए प्रतिवर्ष करने की घोषणा की थी, जिसमें कहीं भी चरणबद्ध रूप से बढ़ाने का उल्लेख नहीं था। किसान के प्रति, अन्नदाता के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए 12,000 रुपए प्रतिवर्ष आप कब तक कर देंगे? माननीय शाहपुरा से आने वाले विधायक जी का प्रश्न है। मैं निश्चित रूप से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज़ादी के बाद किसानों के नाम पर राजनीति तो बहुत की गई, किसानों के लिए आश्वासन भी बहुत दिए गए, नारे भी बहुत लगाए गए, सपने भी दिखाए गए, लेकिन किसानों को कभी कुछ दिया नहीं गया। आज मैं इस सदन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को हृदय से आभार प्रकट करना चाहूंगा कि आजादी के बाद पहली बार अन्नदाताओं की पीड़ा को समझ करके पहली बार किसान सम्मान निधि के माध्यम से उनको सीधा लाभ हस्तांतरित करने का काम किया है। मैं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी आदरणीय भजन लाल जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी की भावना को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान के किसानों को किसान सम्मान निधि का हक उनको देने का अपना वादा पूरा किया। पिछली सरकार ने तो किसानों को यह कहा था कि हम 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ करेंगे, लेकिन 5 साल तक किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। आपको मंत्री पद से मोदी जी भजनलाल जी प्रश्न का उत्तर दीजिए। इन्होंने किसानों की भावनाओं की बात की थी, मैं किसानों की भावनाओं की बात ही कर रहा हूँ। प्रश्न का उत्तर दें। निश्चित रूप से हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री सम्मान निधि के लिए इस वित्तीय वर्ष में प्रथम बजट में घोषणा भी की और किसानों को 650 करोड़ रुपए 65 लाख किसानों को उनके सीधे खाते में देने का काम किया है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, रूप से माननीय अध्यक्ष महोदय को 6,000 रुपए माननीय अध्यक्ष महोदय रुपए करने का काम हमारी सरकार करेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके संकल्प पत्र में चरणबद्ध रूप से कहीं नहीं लिखा हुआ। मैं पूछ रहा हूँ की 12,000 रुपए आपने कहा है वार्षिक करने का, वो कब तक कर देंगे? मेरे को यह जवाब चाहिए, वो बताइए आप। संकल्प पत्र में जो भी कोई बात कही हुई है निश्चित रूप से हमारी ये सरकार करेगी। कब तक करेगी? कब तक करेगी? कब तक करेगी? और किसान के साथ करके किसान को गुमराह कर रहे हो आप। देने का काम करेंगे आपके जैसे केवल चुनाव के समय घोषणा करके और वादे करके उनसे पीछे नहीं हटेंगे। माननीय मंत्री जी उत्तर के बाद बैठिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि गंभीर प्रश्न है, बड़ी मेजे भी थपथपाई गई है। जो घोषणा पत्र उसमें ये कहा गया था कि प्रतिवर्ष देंगे, प्रतिवर्ष का मतलब यह है कि 5 वर्ष देंगे। प्रतिवर्ष का मतलब यह नहीं है कि आखिरी वर्ष देंगे। सबसे पहली बात तो आप प्रतिवर्ष देंगे तो पहला वर्ष तो आपका निकल गया, आप नहीं दे पाए, एक नंबर। दूसरी बात, आपने बजट घोषणा की कि हम 2,000 देंगे 6,000 को की जगह, और 2,000 में भी आपने 1,000 रुपए दिए। आप खैरात बांट रहे, 2 किस्त नहीं 3 कर दी, बची हुई 5,500 में देंगे। हो सकता है कि आगे कर दे कि हम 100 रुपए देंगे। अध्यक्ष जी, मैं तो एक ही बात जानना चाहता हूं, आपका जो स्पेसिफिक मेरे को जवाब चाहिए कि बजट घोषणा प्रति वर्ष देने की थी और पहले वर्ष आप नहीं दे पाए, कब से आप 6,000 रुपए पूरे किसानों को देंगे ये बताइए। हमारे संकल्प पत्र में जो भी कोई बात हमने कही है हम उसको निश्चित रूप से पूरा करेंगे, और हम किसानों को जो 6,000 का जो हमने वादा किया है उसको निश्चित रूप से पूरा करेंगे। अगला प्रश्न रोहित बोहरा बैठिए। प्रश्न संख्या 133। माननीय मंत्री जी। अन्य अध्यक्ष महोदय, खंड 1 इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। खंड 2 प्रशासन शहरों के संघ अभियान दिनांक 2/10/2021 से 31/3/2024 तक नगरीय विकास विभाग द्वारा कुल 6,40,060 पट्टे वितरित किए गए जारी किए गए तथा 5219.82 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ।